तो अभी तक जो हमने चीजें पढ़ी हैं, हम स्टार्ट पहले कह लें कि छोटे सर्किट से शुरू हुए और इंक्रीमेंटली बिल्ड करते गए। पहला सर्किट हमने देखा था बिल्कुल सिंपल सा लेवल टू पल्स कन्वर्टर था। फिर हमने क्लॉक का सर्किट बनाया जिसमें काउंट करते रहते थे क्लॉक को। फिर हमने क्लॉक का डिस्प्ले की लॉजिक बनाई जिसमें हमने काइंड ऑफ एक लुकअप टेबल यूज किया, और फिर हमने कह लो के एनोड्स के जरिए कंट्रोल किया सेवन सेगमेंट को। और फिर हमने ब्लॉक रैम पढ़ी और हमने कहा कि ये बिल्कुल उसी तरह की चीज थी जिस तरह से रिच फाइल है, कि हम एड्रेस पे किसी डाटा पढ़ सकते हैं और किसी एड्रेस पे डाटा लिखवा सकते हैं। लिखवाना हो तो राइट बन करेंगे, डाटा देंगे, एड्रेस देंगे। और हमने फिर उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज पढ़ी कि इसकी दो पोर्ट्स भी, अगर एक यूज करनी हो एक कर लें, दो करनी हो दो कर लें। विड्थ और डेप्थ कन्फिगरेबल है, ये हमने पढ़ा। 2 की पावर में विड्थ हो सकती है 1 से 32 तक, 512 तक डेप्थ है। मल्टीपल को जोड़ के बड़ी पी रैम भी बनाई जा सकती है जिसका हमने तरीका कुछ देखा। बाइट इनेबल्स भी इसमें होते हैं कि हम अलग अलग बाइट पे भी लिखवा पढ़ सकते हैं और दोनों पोर्ट्स का अलग अलग क्लॉक भी हो सकता है। इसके अलावा पैरिटी बिट्स को हम एज एक्स्ट्रा डेटा बिट्स भी यूज कर सकते हैं। और उसके बाद हमने वीजीए की एग्जांपल की जिसमें हमने अगेन दो काउंटर से लगाए, एक हॉरिजॉन्टल लाइंस को काउंट कर रहा था, एक वर्टिकल को, और उसकी बेस पे हमने सिग्नल डिस्प्ले किया। आज हम इससे अगली डिजाइन एग्जाम्पल करने जा रहे हैं। और अगली डिजाइन एग्जाम्पल जो हमारी है वो है कि हम एक छोटा सा प्रोसेसर बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, मुझे लगता है आप लोगों को मैंने इंट्रो टू सीएस पढ़ाया था, राइट? उसमें हमने ये किया कि नहीं किया था, छोटी सी डिजाइन एग्जांपल। प्रोग्रामिंग कराई थी आईटीपी। उससे पिछला कोर्स नहीं कराया था आईटीसी, वो किसी और ने कराया था, पता नहीं, मुझे शक्लें याद पड़ी। तारो एनीवे सर आसिम ने कराया था सर, अच्छा सर अच्छा चलें ठीक है, फिर आप लोग मौसम मान अलग लीजिए। सर ने कराया। ठीक, सो अब जो हमारे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिसमें रजिस्टर्स आ जाते हैं, मल्टीप्लेक्सर्स आ जाते हैं, एड्रेस सबट्रैक्टर आ जाते हैं, तो हम उनको यूज करते हुए ना एक छोटा सा सिंपल सा प्रोसेसर बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, सो आज का जो काम है हमारा वो है कि हम प्रोसेसर को डिजाइन करना चाहते हैं। ठीक है, अच्छा, प्रोसेसर मतलब ऑब्वियसली एक कॉम्प्लेक्स थोड़ी सी चीज है, इसके लिए पूरा कोर्स होता है कंप्यूटर आर्किटेक्चर का जिसमें आप इसकी डेप्थ को समझेंगे। लेकिन एक बेसिक स्मॉल स्केल प्रोसेसर कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज नहीं होती, इसलिए हम इस कोर्स में इसको एज अ डिजाइन एग्जांपल करते होते हैं, ताकि आप लोगों का एक जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जहाँ पर बाउंड्री मर्ज होती है वो आपको क्लियर हो जाए। यानी कि हार्डवेयर जो हम अभी करेंगे वो हार्डवेयर है, डिजिटल लॉजिक डिजाइन में कर रहे हैं चीजें, और उसके ऊपर जो सॉफ्टवेयर जो आपने सी सी प्लस प्लस वगैरह पढ़ी है वो कैसे चलती है वो भी आपको एक ना बाउंड्री क्लियर हो जाए कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पार्टीशन होती क्या है और हार्डवेयर कहाँ खत्म होता है और सॉफ्टवेयर कहाँ शुरू होता है। तो बेसिक आइडिया जो होता है ना प्रोसेसर का वो ये होता है कि प्रोसेसर पे आप प्रोग्राम चला सकते हैं कोई ना कोई। तो आप लोगों ने सी में प्रोग्राम लिखे होंगे डिफरेंट, ठीक है, तो वो जो प्रोग्राम होते हैं वो किसी मेमोरी के अंदर पड़ा होता है। ठीक है, जो आपने सी में लिखा कोई भी इंस्ट्रक्शंस उससे असेंबली इंस्ट्रक्शंस बनती है और फिर कोई मशीन कोड बनता है और वहां से आप एक एक करके इंस्ट्रक्शन फेच करते जाते हैं कि पहली इंस्ट्रक्शन चली, दूसरी चली, तीसरी चली, चौथी चली, एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पर यानी कि कोई 1 0s ही आ रहे हैं जिस जिसकी बेस पे हम चीज चला रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारी रिज्यूम करें कि ये इंस्ट्रक्शन आ रही है। ठीक है, और वो जो इंस्ट्रक्शन है वो एक एक करके आनी है, पहले साइकिल में एक, दूसरे साइकिल में दूसरी, तीसरी, चौथी, एंड सो ऑन। ठीक है, अनलेस कि हमने कोई लूप लगाया हो तो हम जंप बैक करके कहते हैं अच्छा यार यहाँ से वापस चलाते जाओ। ठीक है, तो बार बार चलाना भी शुरू कर सकते हैं, या इफ एल्स लगाओ तो कोई कंडीशन फॉल्स हो तो हम जंप करके आगे भी चले जाते हैं। ठीक है, लेकिन इफ एल्स और लूप्स के अलावा हम सीक्वेंस में इंस्ट्रक्शन चला रहे होते हैं। ठीक है, जो भी आप कॉम्प्लेक्स सा कोड हायर लेवल लैंग्वेज में लिखें वो इवेंचुअली मशीन कोड में ट्रांसलेट होता है जो कि प्रोसेसर चला सकता है। और प्रोसेसर जो है ना वो बड़े बेसिक बेसिक से काम कर सकता है। फॉर एग्जांपल वो नंबर्स को ऐड कर सकता है, वो नंबर को सब्ट्रैक्ट कर सकता है, वो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकता है। ठीक है, अक्सर प्रोसेसर सारे नहीं डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है,
फिर उन पे अरिथमेटिक ऑपरेशंस कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं, एंड कर सकते हैं, और कर सकते हैं, इस किस्म के काम कर सकते हैं। तो ये बेसिक काम होते हैं। तो ये एक एक करके आप इंस्ट्रक्शंस चलाना चाह रहे होते हैं, जो कि ये इंस्ट्रक्शन आई इसकी बेस पे आपके प्रोसेसर को समझ आया कि क्या करना है, और उसने कहा कि अच्छा अभी दो नंबर्स को ऐड करना है, तो ये दो नंबर्स को ऐड कर देगी। टिपिकली जो नंबर्स जिन पे हम ऑपरेट कर रहे होते हैं ना, वो एक रजिस्टर फाइल के अंदर पड़े होते हैं, ठीक है। सो हर प्रोसेसर के अंदर अमूमन एक सेट ऑफ रजिस्टर्स होता है, आजकल के ज्यादातर प्रोसेसर के अंदर यही आर्किटेक्चर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि तो सी में जब हम बनाते हैं तो हम तो कोई रजिस्टर सजिस्टर नहीं लिखते ना, हम तो लिखते हैं इंट एक्स इज इक्वल टू 10, इंट वाई इज इक्वल टू 20, इंट जी इज इक्वल टू एक्स प्लस। ये माइक को म्यूट कर दें, ठीक है, कौन है, ठीक है। तो हम कुछ इस किस्म के काम कर रहे होते हैं। तो ये हम इंट्स कहां पर बन रहे होते हैं, ये इंट्स कहां पे बन रहे होते हैं, आप लोगों से पूछ रहा हूं, भाई जाग रहे हैं, मेरी बात नहीं, नहीं प्रोसेसर में तो बन रहे हैं, लेकिन ये कहाँ पे बन रहे हैं, मेमोरी में बन रहे हैं, रजिस्टर्स में बन रहे हैं, किस जगह बन रहे हैं? मेमोरी में बन रहे हैं, रजिस्टर में, मेमोरी में बन रहे हैं। बाय डिफॉल्ट जो हमारे इंटीजर्स वगैरह हैं या जो भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, इस पे आप थोड़ा सा जाके रिवाइज कीजिएगा जो आपको मेमोरी के अंदर डिफरेंट सेक्शन कभी पढ़ाए थे हमने, ठीक है। हमने कहा था कि अच्छा ये किसी बंदे के पीछे अपने बच्चों के बोलने की आवाज आ रही है, वो अगर म्यूट कर दे, कौन सा होगा, ये कर दिया म्यूट, ओके। सो हमने एक कहा था कि बेसिकली ग्लोबल वेरिएबल्स एक चीज होते हैं, लोकल वेरिएबल्स एक चीज होते हैं, फिर न्यू करके हीप पे चीज बनती है, वो वाली चीज जो है, मैं अभी उस डिटेल में नहीं जाना चाह रहा क्योंकि आज हमारा ये टॉपिक नहीं है, लेकिन वो सारी की सारी जो जगह थी जहां पे वेरिएबल बनते थे वो हमारी मेमोरी के अंदर ही बनते थे। सो मेमोरी के अंदर ही इंस्ट्रक्शंस पड़ी हैं, मेमोरी के अंदर ही वेरिएबल्स पड़े हैं हमारे, ठीक है। लेकिन मैंने कहा कि टिपिकली प्रोसेसर को जब मैं कहता हूँ कि दो नंबर्स को ऐड करो, तो वो रजिस्टर्स में ऐड कर रहा होता है। मैं ये कह सकता हूँ, फॉर एग्जांपल इंस्ट्रक्शन दे सकता हूँ कि ऐड x1 x2 x3, ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि x1 इज इक्वल टू x2 प्लस x3, ठीक है, वेयर x1 इज, या ये समझो पहला रजिस्टर x0 है, अगला x1 है, फिर x2 एंड सो ऑन अप टू जितने भी रजिस्टर्स हैं। तो इसका मतलब है कि मैं x2 और x3 को किसी तरह बाहर निकालूं, उनको ऐड करूं और इसका रिजल्ट वापस x1 में लिखवा, ठीक है। तो पहली चीज तो ये हो गई कि जो मेरे ऐड सबट्रैक्ट वगैरह ना, वो रजिस्टर्स के ऊपर चल रहे हैं, ठीक है। तो मैं ऐड करूंगा तो मैं दो रजिस्टर्स बताऊंगा कि यार इन दो रजिस्टर्स को रीड करो और ऐड करके रिजल्ट वापस लिखवा दो, ठीक है। मल्टीप्लाई करूंगा तो तब भी यही करूंगा, सबट्रैक्ट का भी तकरीबन इसी तरह फॉर्मेट है। ये मैं 1 2 3 लिख रहा हूं, बट इट कैन बी एनी नंबर, यानी जितने रजिस्टर्स हैं, लेट से कि 32 रजिस्टर्स हैं, तो ये x0 से x31 तक जा सकता है, तो मैं इधर x0 से x31 तक कोई भी नंबर, इसी तरह मल्टीप्लाई भी करूंगा तो यही तरीका है। ये बात समझ आ रही है? सो अगर मैं सबट्रैक्ट कहूँ तो ये सबट्रैक्ट हो जाएगा, अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये काम हम करना चाहते हैं कि ऐड सबट्रैक्ट मल्टीप्लाई, ये बेसिक ऑपरेशन हम करना चाहते हैं। लेकिन ये जो वेरिएबल हम सी में बनाते थे, वो तो कोई रजिस्टर तो नहीं होते थे, वो तो मेमोरी के अंदर पड़े होते थे। तो वी नीड अ वे कि हम किसी तरह मेमोरी से उठाकर चीजों को रजिस्टर्स में ला सकें और रजिस्टर से उठाकर वापस मेमोरी में ले जा सकें, ठीक है। ये बात समझ आ रही है आप सबको? साथ हूँ, हाँ यार कुछ किया करो ताकि मुझे फीडबैक। यस सर, यस सर, ठीक है, ओके। सो मैं ये काम करना चाहता हूँ, मैं ऐड करना चाहता हूँ, सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ, मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, और लेट से जस्ट फॉर द फन ऑफ इट मैं नैंड भी करना चाहता हूँ। नैंड इसलिए
क्योंकि नैंड और नॉर से बाकी सारे गेट्स बन जाते हैं. तो आई अज्यूम कि अगर मैं नैंड सपोर्ट कर दूंगा तो मैंने अगर और करना हो, एंड करना हो, नॉट करना हो, तो वो सारे काम मैं किसी तरह कर लूंगा एटलीस्ट बिट वाइज. ठीक है, सो लेट्स से कि मैं इसका भी यही फॉर्मेट रख देता हूँ कि ये दो रजिस्टर्स को पकड़ेगा, एक्स टू और एक्स थ्री को. और लेट्स से कि नैंड का मतलब मैं ये लेता हूँ कि पहली बिट को पहली बिट के साथ नैंड कर दे, दूसरी बिट को दूसरी बिट के साथ नैंड कर दे, एंड सो ऑन, और वापस जो रिजल्ट पे लिखवा दे. तो ये अगर एक्स टू और एक्स थ्री हैं तो ये इन सब को बिट वाइज नैंड करे और एक्स वन में उसका रिजल्ट लिखवा दे. ठीक है, तो ये चार काम लेट्स से कि मैं करना चाहता हूँ, जिससे कम अज कम मैं ये कर पाऊंगा कि मैं रजिस्टर्स को आपस में ऐड कर सकूं, सब्ट्रैक्ट कर सकूं, मल्टीप्लाई कर सकूं और फिर अरिथमेटिक ऑपरेशन उनके ऊपर कर सकूं. ठीक है, और दूसरा मुझे कोई तरीका चाहिए कि मैं किसी तरह मेमोरी से उठाकर चीज़ें इधर ला सकूं और इधर से उठाकर मेमोरी में ले जा सकूं. तो ये जो मेमोरी से लाने का तरीका है और ले जाने का तरीका है उसको हम कहते हैं लोड और स्टोर इंस्ट्रक्शंस. ठीक है, सो जो मेमोरी से लाने वाला काम है ना इसको हम कहते हैं लोड, और मेमोरी में वापस लिखवाने को हम कहते हैं स्टोर. ठीक है, सो लोड में हम क्या कहते हैं, हम बताते हैं कि भाई मेमोरी के किस एड्रेस से उठाना है. ठीक है, और उस एड्रेस से उठाकर हमने किस रजिस्टर के ऊपर लाना है. और स्टोर में हमने इसका ऑपोजिट कहना होता है कि किस रजिस्टर से डाटा उठाना है और मेमोरी के किस एड्रेस पर लेके जाना है. सो याद एक बात समझ आ रही, सो आई होप के समझ आ रही है. ठीक है, सो मैं एक लोड की इंस्ट्रक्शन भी सपोर्ट करना चाहता हूं और स्टोर की भी. मैं एल डब्ल्यू और एस डब्ल्यू इसलिए लिख रहा हूँ कि लोड वर्ड और स्टोर वर्ड, वर्ड हमारा हम टिपिकली कहते हैं 32 बिट के नंबर को, या समझे कि जो जितनी भी बिट्स है प्रोसेसर की, 64 भी हो सकती है, हमारे केस में ये 32 हम रख लेते हैं टू मेक इट सिंपलर, फिक्स कर लेते हैं चीज़ें. तो लोड वर्ड में मैं ये चाहता हूँ कि मैं बता सकूँ कोई भी रजिस्टर कि मैं कोई भी लेट से कि मैं कहता हूँ कि एक्स वन में मैंने लिखवाना है, और इसके बाद मैं कोई भी एड्रेस दे सकूं. मैं कहूँगा यार मेमोरी के एड्रेस नंबर 100 से उठाकर एक्स वन में ले आओ. ठीक है, तो अगर 100 नंबर एड्रेस पे कोई इंट एक्स ये पड़ा हुआ था, ये लेट से इसको मेमोरी में एड्रेस 100 पड़ा हुआ था, इसमें डाटा 10 था, तो मैं 100 नंबर से उठाकर एक्स वन में लेकर आना चाहता हूँ, तो मैं इस तरह से इंस्ट्रक्शन दे दूंगा. और स्टोर जो है उसमें मैं चाहता हूँ कि मैं बता सकूँ कि यार किसी भी रजिस्टर से उठाओ, फॉर एग्जाम्पल एक्स टू से उठाओ और मेमोरी की लेट से 200 लोकेशन पे लिखवा दो, तो ये एक्स टू से उठाएगा और मेमोरी की लेट से 200 लोकेशन पे ले जाएगा. ठीक है, तो उसने 200 पे जाके जो भी वैल्यू पड़ी हुई थी वो वापस लिखवा दी. सो यहाँ तक जो चीज की ये समझ आ रही है सबको? जी सर. ठीक है, ओके. ये जो हम अभी काम कर रहे थे ना कि जिसमें हमने डिफाइन की इंस्ट्रक्शंस क्या क्या होंगी, ठीक है, इसको बाज का इसका एक फैंसी नाम है इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर. ठीक है, कि आप इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्ट करेंगे, आप क्या इंस्ट्रक्शन सपोर्ट करना चाह रहे हैं. ठीक है, तो ISA बाज का जिसको छोटा करके कहते हैं, कंप्यूटर आर्किटेक्चर के लोग कहेंगे जी मैं इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्ट कर रहा हूँ. ठीक है, तो ये क्योंकि हमने बहुत ही बेयर मिनिमम सा बनाना था तो उसमें तो कोई खास साइंस नहीं थी. ठीक है, तो लेट्स रीकैप. तो हमने चार छह इंस्ट्रक्शन सपोर्ट कर दी, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, नैंड, लोड वर्ड एंड स्टोर वर्ड. ये जो ऊपर वाली चारों हैं इसमें हम लेट से मैं एक्स जीरो से लेकर एक्स थर्टी, लेट्स अज्यूम के हमारे 32 रजिस्टर हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि एक्स ए, एक्स बी, एक्स सी लिख रहा हूँ, लेकिन ये ए बी सी जो है ना ये कोई भी नंबर हो सकते हैं फ्रॉम 0 to 31. और यही फॉर्मेट सब्ट्रैक्ट का हो गया, यही फॉर्मेट मल्टीप्लाई का हो गया, यही फॉर्मेट नैंड का हो गया. ठीक है, और ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि इसका मतलब है कि एक्स ए इज इक्वल टू एक्स बी, और फिर जो भी मैंने ऑपरेशन इधर का हुआ है जो कि एड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या नैंड में से कोई भी हो सकता है इधर, और एक्स सी को आप इसमें ये ऑपरेशन करो और इसका रिजल्ट एक्स ए में लिखवा.
और लोड वर्ड और स्टोर वर्ड में मैं चाहता हूं कि दोनों केस में मेरे पास एक रजिस्टर हो, लेट से एक्स ए, और एक मेमोरी का एड्रेस हो. ठीक है, सो लेट से मैं मेमोरी एड्रेस कह सकता हूँ. इस केस में अभी मैं कहता हूँ कि कोई रजिस्टर है और मेमोरी एड्रेस. सो नाम से हमें पता चल जाएगा कि लोड का मतलब है रजिस्टर में लोड करना, स्टोर का मतलब है मेमोरी में स्टोर करना. ठीक है, ये अच्छा. बिफोर गोइंग फर्दर, ठीक है, अभी तक मैंने आपको बता दिया कि मेरे पास अमूमन एक मेमोरी जरूर होगी और रेज फाइल जरूर होगी. ये दो मैंने आपको कंपोनेंट बता दिए कि ये तो प्रोसेसर में आएंगे ही आएंगे. ठीक है, आवे ठीक है, रेज फाइल तो हमारी आवे. ठीक है, तो 32 बिट का ये हो गई, यानी 32 रजिस्टर्स हो गए. लेट से सारे 32 बिट वाइड हैं, तो इसके अंदर जितने भी रजिस्टर्स हैं, ठीक है, लेट से कि इनकी विड्थ भी 32 है और ये टोटल भी 32 है, टू मेक इट सिंपलर. ठीक है, एक फिक्स हमने कर दी चाहिए. मेमोरी के मुतालिक, अमूमन जो मेमोरी के अंदर हमारा कोड और डेटा होता है ना, वो डिफरेंट जगहों पर पड़ा होता है. अमूमन मेमोरी हमारी एक ही होती है, लेकिन छोटे प्रोसेसर्स में ये दो अलग-अलग मेमोरीज भी होती हैं, डेटा के लिए अलग और प्रोग्राम के लिए अलग. ठीक है, और बड़े प्रोसेसर में मेमोरी पीछे अमूमन एक होती है, लेकिन अंदर एक और चीज होती है जिसे हम कैश कहते हैं, वो हर वो प्रोग्राम और डाटा के लिए अलग-अलग होती है. तो हम लेट्स अज्यूम कि हमारी प्रोग्राम मेमोरी अलग है. ये हमारी प्रोग्राम मेमोरी है. प्रोग्राम मेमोरी का मतलब है कि इसके अंदर जो हमने सी प्रोग्राम लिखना था वो मशीन कोड में ट्रांसलेट होकर इसके अंदर पड़ा है. और एक हमारी डेटा मेमोरी है. डेटा मेमोरी का मतलब है कि जो हमारे वेरिएबल्स थे वो इसके अंदर पड़े. ठीक है, तो इसका कोई भला सा नाम भी होता था, मेरा ख्याल है हार्वर्ड आर्किटेक्चर था या वॉन न्यूमैन में से एक था, मुझे नाम भूल जाते होते हैं. आपकी प्रोग्राम और डाटा मेमोरी अलग अलग हूँ, बट बेसिक चीज ये है कि हमारी ये अलग अलग है. हमने मेमोरीज थोड़ी सी टच की हुई है. हमने ब्लॉक रैम क्योंकि टच किया हुआ है, तो ब्लॉक रैम का मतलब है वो एक छोटी सी मेमोरी है. तो हम अभी अज्यूम ये करते हैं कि ये वाली मेमोरीज वही छोटी सी मेमोरीज है. प्रैक्टिकली जो मेमोरी सब सिस्टम है वो एक और पूरी साइंस है कि वो मतलब DDR मेमोरी पीछे लगी होती है, वहां से आप कैश में लेकर आते हैं. वो हम इस कोर्स में टच नहीं करेंगे. वो अगर आप में से कोई कंप्यूटर आर्किटेक्चर का कोर्स करना चाहे तो उसके भी खैर लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड है, तो अपने पेज पे कोई करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं. इसके बाद फौरन ही उस पर स्टार्ट हो सकते हैं. यानी आप ये समझें कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, जहाँ से हम अभी ये कोर्स खत्म कर रहे हैं यहाँ से वो स्टार्ट होता है, और फिर उसके आगे वो कंप्यूटर कैसे बनता है सारी चीजें. ओके, तो तीन कंपोनेंट है. तो अभी पहले मैं ये करना चाहता हूँ कि लेट्स से कि मेरे कोई वेरिएबल्स हैं और मैं सिंपली ये काम करना चाहता हूँ कि x इज इक्वल टू y प्लस z मल्टीप्लाइड बाय लेट्स से w. सिंपल सा चलो कर लेते. ठीक है, लेट्स अज्यूम कि ये मेरी डाटा मेमोरी है और इसमें और कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, सिर्फ यही वेरिएबल पड़े हुए. ठीक है, तो ये इसका एड्रेस नंबर 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है. ठीक है, तो अमूमन डाटा मेमोरी बड़ी होती है, रेज फाइल तो छोटी सी है. लेट्स से कि जो मेरा एक्स है वो 0 लोकेशन पे पड़ा है, वाई जो है वो 1 लोकेशन पे पड़ा है, जी जो है वो 2 लोकेशन पे पड़ा है, और डब्ल्यू जो है वो 3 लोकेशन पे पड़ा है. तो अब आपके पास, अभी हमने प्रोसेसर बनाया नहीं, लेकिन लेट्स अज्यूम कि ये इंस्ट्रक्शन सेट हमने बना लिया. ठीक है, और इसके हिसाब से प्रोसेसर भी बना दिया. तो अगर मैंने असेंबली में एक प्रोग्राम लिखना हो जो कि ये काम कर सकता हो, ठीक है, सो लेट्स से ये मैंने सी लैंग्वेज में लिखा कोड, इसकी असेंबली मैंने जनरेट करनी हो, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, आप लोगों से पूछ रहा हूँ. सर असेंबली तो भी पढ़ी जो नहीं. जी पढ़ ली ना यार, हमने बना दी अभी असेंबली, तो ये पढ़ ली. इसमें से ज्यादा कोई साइंस नहीं है. ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन है, ये काम करना है मैंने. तो बेसिकली ये मेमोरी है, मैं मेमोरी से ये वेरिएबल उठा के रेज फाइल में लाना चाहता हूँ, फिर उन पे ये जो ऑपरेशन ऊपर लिखा है ये करना चाहता हूँ, और उसके बाद में वापस रजिस्टर से उठाकर मेमोरी में लिखवाना चाहता हूँ. बट इन द एंड एक्स जो आपके पास है उसके अंदर ये वाली वैल्यू पूरा ये काम हो चुका है. तो सबसे पहले क्या करूँ, उसके
लोकेशन को लोकेट करना पड़ेगा सर। लोकेशन तो बताई हुई है, ये आपके सामने लिखी हुई है, जीरो x की जीरो है, y की वन है, z की टू है, w की थ्री है, तो क्या करूं? ये मैं प्लस प्लस भी कर सकता हूं, उसको लोकेट करना पड़ेगा। लोकेट तो हुआ है ना, लोड करना पड़ेगा। आप ये कहना चाह रहे हैं ये l लोकेट के लिए नहीं था, लोड के लिए। रजिस्टर से मेमोरी में अगर लोड करना हो तो उसकी लोड करना है मेमोरी से रजिस्टर में। सबसे पहले मैं चाहूंगा लेट्स से, इसमें सबसे पहले क्या ऑपरेशन होना चाहिए? वैसे ये जो ऊपर लिखा हुआ है x is equal to y plus z multiplied by w, पहले प्लस होना चाहिए या मल्टीप्लाई? मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब है सबसे पहले मेरे पास w और z रजिस्टर्स में तो हो, फिर कुछ करेंगे। तो w को अगर मैं रजिस्टर में लाना चाहता हूं तो क्या लिखूंगा, कोड क्या लिखूंगा? रजिस्टर से मेमोरी में लाने के लिए, मेमोरी से रजिस्टर में लाने के लिए क्या इंस्ट्रक्शन थी इनमें से? इसका नाम है लोड वर्ड स्टोर? नहीं, ठीक है, लोड थी रजिस्टर मेमोरी से रजिस्टर में लाने के लिए, स्टोर थी लोड वर्ड का मतलब है मेमोरी से ले उठाना है और रेज में लाना है। इसका मतलब है स्टोर वर्ड का मतलब है रेज से उठाना है, मेमोरी में लेकर जाना है। ये चीज क्लियर होगी? तो सबसे पहले क्या करूंगा, अब तो मैंने बड़ा लोड करेंगे, लोड वर्ड क्या लिखूं इसके आगे, रजिस्टर कौन सा रखूं? रजिस्टर कौन सा रखूं? अभी सारे रजिस्टर खाली हैं, कोई भी रख सकता हूं। लेट से कि मैं कहता हूं x जीरो में उठाकर लाना है, और किसको उठाना है? सबसे पहले मैंने z को w से मल्टीप्लाई करना है, तो लेट से कि मैं 2 एड्रेस से यानी z को उठाकर x जीरो में ले आता हूं। पहली इंस्ट्रक्शन मैंने लिख दी, दूसरी क्या लिखूं? सर मल्टीप्लाई करना है w, नहीं अभी तो सिर्फ z आया है ना, तो अब इस जगह पर z आ गया, ठीक है, इस वाले रजिस्टर में z की वैल्यू जो भी थी वो आ गया। मल्टीप्लाई जो करना है वो किससे करना है? w से, w तो मेमोरी में है, रजिस्टर में नहीं है। लोड करेंगे सर दोबारा, दोबारा लोड कर लें। क्या आप क्या रजिस्टर दूं? x1 कर दें सर, x1 कर दें, और एड्रेस क्या दूं? w सर, w का क्या एड्रेस है? w 3 3। तो ये मैं कहता हूं कि ये हमने z को लोड कर दिया, ये हमने w को लोड कर दिया। तो x0 में आप z पढ़ा है, x1 में w पढ़ा है, अब क्या करूं? मल्टीप्लाई करना है सर, मल्टीप्लाई। उसके लिए लिख दिया मल्ट, लेट से हमने इंस्ट्रक्शन का नाम था, और उसमें अब आगे क्या लिखूं? मैंने आपको बताया कि तीन रजिस्टर्स मैंने देने हैं मल्टीप्लाई के बाद, और एक्स ए एक्स बी एक्स सी लिखा हुआ है, तो बी और सी को आपस में जो भी ऑपरेशन का वो मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई, ऐड तो ऐड, वो करके एक्स ए में लिखना है। तो इधर क्या तीन रजिस्टर दूं, किसको किससे मल्टीप्लाई करना? टू को थ्री से, टू को थ्री से, या जेड को डब्ल्यू से? जेड को टू को थ्री से नहीं, रजिस्टर था एक्स जीरो और एक्स वन, एक्स जीरो को एक्स वन से मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पर आ जाएगा एक्स जीरो, यहां पर आ जाएगा एक्स वन, और इसका रिजल्ट कहां पर लिखवाऊं? एक तीसरे रजिस्टर में किसी लिखवाना है, एक्स टू में लिखवा दें, ठीक है। तो ये हमारा मल्टीप्लीकेशन वाला काम हो गया। अब क्या करना है? आप x2 को y के साथ मल्टीप्लाई प्लस करना है, तो y को, y तो इधर पड़ा है, तो सबसे पहले क्या करूं? लोड करेंगे सर y को रजिस्टर में, लोड करेंगे, लोड वर्ड, आगे क्या लिखूं? x3, x3 में लोड कर लूं, क्योंकि x0 1 2 यूज हो गए हैं, तो x3 में लोड कर लूं, और आगे एड्रेस होता है मेमोरी का, क्या एड्रेस दूं? 1 दे दूं, ठीक है, क्योंकि y को लोड करना है।
तो ये वाई आ गया, अब क्या करूं? ऐड सर एक्स टू के साथ सर ऐड कर दूं इसको, लिखा ऐड, आगे क्या लिखूं सर? एक्स टू, एक्स टू लिखूं? एक्स थ्री? नो सर, कोई उसको जिसमें स्टोर कराना है, क्या कहते हैं उसको, वो डिक्लेयर सर, मेमोरी को एक रजिस्टर सर करेंगे जिसमें लिखना है। किस रजिस्टर में लिखवा दूं सर? एक्स फोर में लिखवा दें। फोर में कर दें, फोर में लिखवा दें। और किस किस को करना है मैंने सर? एक्स थ्री और एक्स टू को। एक्स टू में जेड मल्टीप्लाइड बाय डब्ल्यू पड़ा हुआ है, ठीक है, सो ये मेरे पास जेड मल्टीप्लाइड बाय डब्ल्यू पड़ा है, इसको ऐड करना है मैंने वाई के साथ, तो एक्स टू को मैंने ऐड कर दिया एक्स थ्री के साथ। एक्स फोर में रिजल्ट आ गया, अब क्या करूं सर? की ओर सेव करवा दें इसको। अब इसको मेमोरी में लेके जाना, दोबारा मेमोरी में लेके जाना है, बिकॉज वेरिएबल किधर है? मेमोरी में। तो वो कैसे लेके जाऊं? स्टोर करेंगे सर। स्टोर वर्ड लिखा, रजिस्टर कौन सा स्टोर करवाना है? X5 सर। X4। X4 इसको स्टोर करवाना है, और मेमोरी में किधर स्टोर करवाना है? सर कोर रजिस्टर में नहीं, X0 पर है, ठीक है, सबसे पहला X था, तो 0 पर जाकर लिखवाना है। तो ये कोड समझ आया आप सबको, या कुछ लोग ब्लैंक थे इस पे? सर इसमें थोड़ा सॉरी, नो सर, यस सर, समझ आ रहा है? बड़ा सिंपल सर, यानी एंड पे जो भी हमने काम करना है, ठीक है, उसके लिए वेरिएबल क्योंकि बेसिकली मेमोरी में होते हैं, रजिस्टर्स में नहीं होते, तो जिनको रीड करना है, जिसने एक्स पे तो लिखवाना है, बाकियों को तो हमें चाहिए, तो इनको हमें लोड करके लाना पड़ेगा, ठीक है। हम चाहते तो सारे शुरू में लोड कर देते, यानी ये वाला लोड भी ऊपर ले जाते, लेकिन हमने पहले दो को लोड किया, ठीक है, उसके बाद हमने उनको मल्टीप्लाई किया, फिर जिस तीसरे में ऐड करना था उसको लोड कर लिया, और फिर ऐड कर दिया और स्टोर करवा दिया। तो ये जो आप काम करते थे ना, जो सी में जब आप ये इस तरह की कोई स्टेटमेंट लिखते थे, तो उसके पीछे कुछ इस किस्म का कोड जनरेट ऑटोमेटिकली होता है, इसको हम कहते हैं असेंबली कोड, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है, ठीक है, इस वक्त क्योंकि आप वीएल स्टूडियो या कोई ऐसा टूल यूज कर रहे होंगे जिसमें आप कंपाइल करेंगे, तो वो कंपाइलर आपके बिहाफ पर ये काम खुद ही से कर देता है, ठीक। असल में इस वक्त जो आप काम करें, आप समझेंगे आप पुराने जमाने में चले गए हैं, अभी कंपाइलर इजाद नहीं हुए और आप खुद वो काम बाय हैंड कर रहे हैं, तो ये बाय हैंड हम असेंबली कोड लिखे, ठीक है। सो यहां तक चीज क्लियर होगी? यस सर, ठीक है, ओके। अच्छा, ये भी जो कोड है ये डायरेक्टली प्रोग्राम मेमोरी में नहीं जा सकता, क्योंकि कंप्यूटर के पास कोई अल्फाबेट्स तो स्टोर नहीं होते, उसके पास तो बाइनरी में चीजें स्टोर होती हैं, ठीक है। तो बजाय इसके कि हम इसको ASCII कोड में चेंज करें और फिर उसको लिखवाएं, हम अमूमन अपने इंस्ट्रक्शन का एक फॉर्मेट डिफाइन कर लेते होते हैं, ठीक है। सो लेट मी सी कि अगर मैं इसको कीप करूं और दो भी। चलो गुड, व्हाइट बोर्ड पे हम ये काम नहीं कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट खुद से नहीं कर सकते, तो अगली दफा मैं शुरू करूंगा तो वो भी यहां से कंटिन्यू हो सकता है। ओ लेट्स से कि मैं ये सारा ये वाला सामान उठाता हूँ, नहीं ये पूरे का पूरे सिलेक्ट हो रहा है, दिस इज नॉट गुड, ग्रुपिंग ग्रुपिंग की ऑप्शन नहीं है, नहीं है। चलो मैं जो चाह रहा था वो तो नहीं हुआ, ठीक है, मैं बाद में एक्सप्लोर करूंगा। नॉर्मली वैसे इसके अंदर एक ऑप्शन होनी चाहिए थी कि मैं इनको अलग अलग ग्रुप कर सकता, लेकिन एनीवे ओके, कोई बात नहीं, दोबारा लिख लेंगे। सो करना मैं ये चाहता हूं कि मैं अब नया इंस्ट्रक्शन
का फॉर्मेट डिफाइन करना चाहता हूँ, ठीक है। सो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास जो इंस्ट्रक्शन थी एड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और नैंड और उसके बाद लोड वर्ड और स्टोर वर्ड, ठीक है। सो व्हाट आई वांट इज कि मैं बाइनरी में बता सकूं कि जी अगर ऐड की इंस्ट्रक्शन आई तो मैं उसको लेट से लिखा हुआ है ऐड एक्स वन और एक्स थ्री और एक्स सेवन, लेट से मैंने कोई रैंडमली नंबर चेंज किए, तो वो बाइनरी में क्या बनेगा। अब मैं ये खुद डिफाइन करना चाहता हूं, ठीक है। तो बाइनरी में बनाने के लिए इसको कुछ मुझे क्या क्या चीजें चाहिए, इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, ठीक है। बाकी सारी इंस्ट्रक्शंस भी इसी तरह की हैं, एटलीस्ट ये जो नैंड तक की हैं। पहली चीज है कि काम करना क्या है। उसके बाद मेरे पास हैं तीन रजिस्टर्स, ठीक है। तो ये मुझे किसी तरह बाइनरी में लिखने हैं। जो काम करना है उसको हम कह देते हैं, अमूमन नाम एक दिया हुआ होता है हमने ऑप कोड, ठीक है। हम वैसी नंबर असाइन करना शुरू कर देते हैं, लेट्स, ठीक है। मैं कहता हूँ कि यार ऐड जो है ना इसको जीरो असाइन कर दो, सबट्रैक्ट को वन असाइन कर दो, मल्टीप्लाई को टू असाइन कर दो, नैंड को थ्री असाइन कर दो, लोड वर्ड को चार असाइन कर दो, इसको पांच असाइन कर दो। तो यहाँ तक चीज क्लियर हो रही है। तो लेट्स से कि मैं फ्यूचर में भी कई इंस्ट्रक्शंस चाहता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि यार मैं पूरी पांच बिट जो है ना ये मैं रख देता हूँ कि कल को भी जो मैंने इंस्ट्रक्शन ऐड करनी है वो भी कर दूंगा, ठीक है, अपने इस छोटे से प्रोसेसर में। और इधर अगर इन पांच बिट में जीरो आ रहा हुआ तो इसका मतलब होगा ऐड, अगर वन आ रहा हुआ तो इसका मतलब सबट्रैक्ट, टू आ रहा हुआ तो मल्टीप्लाई, थ्री आ रहा हुआ तो नैंड, चार आ रहा हुआ तो लोड वर्ड, पांच आ रहा हुआ तो स्टोर वर्ड। तो पहली पांच बिट जो है ना ये तो बता देंगे कि काम क्या करती है ये इंस्ट्रक्शन। तो ये पॉइंट समझ आ रहा है आपको? कंफ्यूज सर आ रहा है। इसके बाद मुझे तीन रजिस्टर्स बनाने हैं, बताने हैं कि किस रजिस्टर को। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई भी नंबर आ सकता था, नंबर की रेंज थी जीरो से लेकर 31 तक, बिकॉज हमने अज्यूम किया कि हमारी रेच फाइल में 32 रजिस्टर है। तो मैं एक रजिस्टर बताने के लिए मुझे कितनी बिट्स चाहिए इधर? क्योंकि यहां पर जीरो भी आ सकता था, वन भी आ सकता था, आपको 31 आ सकता था, तो कितनी बिट्स काफी होंगे रजिस्टर के लिए? 32। 32 के लिए 32 चाहिए होंगी? नहीं डीएलडी वालों, ये बात तो सही नहीं है। 31 तक मैक्सिमम नंबर आ सकता है जीरो से लेकर। 31 को बाइनरी में लिखूं तो क्या बनेगा सर? 5 बिट बहुत है सर, 5 बिट। 1111111, तो ये 5 बिट्स आएंगी। 00000 से लेकर अगर मैं 111 तक सारे नंबर लिखूं तो ये 0 से 31 तक आ जाएंगी। तो 5 बिट ही काफी होंगी फॉर दिस रजिस्टर, ठीक है। ये आखिरी रजिस्टर है, इस पे हम लिखवा रहे हैं ना, तो हम इसको कहते हैं लेट्स से कि ये एक्स डेस्टिनेशन, इसको एक्स डी कह देते हैं, इक्वल टू x सोर्स 1 प्लस x सोर्स 2, यूं कह देते हैं, ठीक है। सोर्स 1 सोर्स 2 का मतलब है कि ये सोर्स है जहां से हम डेटा उठा रहे हैं और ये डेस्टिनेशन है जहां पर हम ऐड करने के बाद लिखवा रहे हैं। तो डेस्टिनेशन रजिस्टर के लिए मेरे पास 5 बिट आ गई, 5 बिट मेरे पास आ गई ऑप कोड के लिए। आगे क्या चाहिए मुझे? ये वाला रजिस्टर सोर्स 1, इसके लिए कितने बिट्स चाहिए? क्यों जी? डेस्टिनेशन रजिस्टर में 0 से 31 तक वैल्यू आ रही थी, सोर्स में भी 0 से 31 तक कोई भी वैल्यू आ सकती है, तो कितनी बिट काफी होनी चाहिए? 5। और सोर्स 2 के लिए? सोर्स 2 के लिए भी 5 ही काफी होंगी। तो ये मेरा इसका मतलब 20 बिट की मेरी इंस्ट्रक्शन बन सकती है। लेट्स एक्सटेंड टू इट टू 32 बिट्स, ठीक है, कि 20 हैं बाकी मैं कहता हूँ ये हम यूज ही नहीं कर रहे, ठीक है। अगली 12 जो है ना ये हमने इस्तेमाल ही नहीं की, ठीक है। तो 32 बिट की हमने एक इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट डिफाइन कर लिया इन चार किस्म की इंस्ट्रक्शन के लिए, ठीक है, कि जब भी कोई इंस्ट्रक्शन आए अगर अंग्रेजी में लिखी हुई हो एड एक्स वन एक्स थ्री एक्स सेवन, तो हम क्या करेंगे, लेट्स से यही इंस्ट्रक्शन आई है
या एड एक्स वन एक्स थ्री एक्स सेवन, तो इधर क्या आएगा, ऑप कोड क्या होगा उसका? साइंस आएंगे, ऐड हो रहा है, मल्टीप्लाई, ये उसके नंबर्स हमने लिखे हुए हैं ऑप कोड के, ठीक है। तो अगर ऐड हो रहा है, ये वाली इंस्ट्रक्शन को मैं चेंज करना चाहता हूँ, अगर ये ऐड हो रहा है तो मुझे इधर क्या लिखना है, इसका ऑप कोड है जीरो, तो इसका मतलब है मैं इधर लिख दूंगा जीरो 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 जीरो, पांच बिट में आ जाएगा जीरो। उसके बाद एक्स वन रजिस्टर डेस्टिनेशन है, तो इधर क्या लिखूंगा, वन वन जीरो 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 वन, और सोर्स वन एक्स थ्री है, तो इधर क्या लिखूंगा, जीरो 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 वन जीरो, थ्री होता है वन वन, ठीक है, टू नहीं है, थ्री है, ठीक है, वन वन, और सोर्स टू क्या होगा, सेवन है, एक्स सेवन, ये क्या जीरो जीरो वन 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 सेवन जो है तीन वन हो। तो यहां तक चीज समझ आ रही है पूरी, कि कोई भी इंस्ट्रक्शन अगर इस टाइप की हुई तो मैं उसको कोड कर दूंगा, अगर ऐड के बजाय मैंने मल्टीप्लाई करना होता तो मैं इधर क्या लिखता ऑप कोड में, वन जीरो मल्टीप्लाई टू है वन जीरो, सब्ट्रैक्ट होता तो जीरो 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 वन, नैंड होता तो जीरो 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 वन वन, ठीक है। तो बेसिकली इसकी दो बिट्स ही काम कर रही हैं, बाकी अभी नहीं कर रही, बाकी क्या लोड वर्ड और स्टोर वर्ड में काम कर रही। तो ये एक हमने फॉर्मेट डिफाइन कर दिया, इसको हम कहते हैं इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, ठीक है। अच्छा, दूसरा हमारा है लोड वर्ड और स्टोर वर्ड। लोड वर्ड में भी ऑप कोड तक तो हमने डिफाइन किया हुआ है, ठीक है, सो ऑप कोड तक तो हमने डिफाइन किया हुआ है, लोड वर्ड का ऑप कोड तो हमें पता है। इसके बाद लोड वर्ड में हमें चाहिए होता है एक रजिस्टर, ठीक है, सो इसमें डेस्टिनेशन रजिस्टर होगा और मेमोरी एड्रेस होगा, ठीक है, और स्टोर वर्ड में मेमोरी पर लिखवाना है, सो मेम एड्रेस है और एक सोर्स रजिस्टर है जहां से हमने पढ़ना है, ठीक है। तो बेसिकली लोड वर्ड के केस में हम कह सकते हैं कि ये ऑपकोड के लिए फिर आपने वही बिट्स रखी, अगेन डेस्टिनेशन के लिए भी पांच बिट रख ली, ठीक है, और ये डेस्टिनेशन होगी, और लेट्स से कि बाकी हमने कह दिया कि ये हमारा मेमोरी एड्रेस है, ठीक है, ऑल्दो हमें ये सारी बिट नहीं चाहिए, हमारी तो बड़ी छोटी सी मेमोरी है। और स्टोर वर्ड में भी हम इस तरह का काम कर सकते हैं, सेम काम, कि हम ऑपकोड रखें, और लेट्स से कि क्योंकि ये डेस्टी की फील्ड चली जा रही है तो हम इसको छोड़ देते हैं और हम सोर्स वाली जगह पर कर देते हैं, इसका बाद में फायदा होगा। और इसके आगे हम लेट्स से कि मेमोरी एड्रेस हम इधर से डिफाइन कर लेते हैं, इसके आगे जितनी बिट्स हैं ये हमारा मेमोरी एड्रेस है फॉर सिंप्लिसिटी, ठीक है। तो ये हमारा स्टोर वर्ड का फॉर्मेट हो गया, ये लोड वर्ड का। आप लोग कोशिश करें कि ना जो हमने पिछली स्लाइड पे कोड बनाया था, जब मैं ये वीडियो शेयर कर दूंगा, तो आप उसका उसको बाइनरी में ट्रांसलेट करें, अगली क्लास में हम ये काम करेंगे। यहाँ पर हम अभी रुकते हैं।